खंडवा शहर में खाने के शौकीनों के लिए खुशखबर। आर्यन के केटर्स लेकर आए हैं स्वादिष्ट और जायकेदार भोजन, जिसमें आप पाएंगे डिलक्स थाली मात्र 80 रुपए में, वीआईपी थाली 130 रुपए और महाराजा थाली 170 रुपए में। साथ ही मनपसंद सब्जियां, मिठाई और स्नैक्स भी। प्रतिदिन सुबह 9 से रात्रि 10 बजे तक फ्री होम डिलीवरी और वो भी हॉट बॉक्स में। साथ ही मासिक टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा फोन नंबर है 9644960504। आर्यन के कैटर्स, शुभ परिसर, जसवाड़ी रोड, खंडवा। खंडवा 25 मार्च 2021 कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी त्योहारों पर यह सुनिश्चित किया जाए कि अनावश्यक भीड़भाड़ कहीं भी एकत्र ना हो, क्योंकि ऐसा होने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना से बचाव अति आवश्यक है। सभी पर्वों को आपसी सद्भाव तथा कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय अपनाते हुए मनाया जाए, यह अपील कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी तथा पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह के साथ शांति समिति के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति के साथ जिले के सभी नागरिकों से की है। कलेक्टर श्री द्विवेदी ने कहा कि सभी लोग प्रयास करें कि हमारे जिले में अन्य जिलों की तरह लॉकडाउन की स्थिति ना बने। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सीमा अलावे, SDM श्रीमती ममता खेड़े सहित विभिन्न अधिकारी व समिति के सदस्यगण मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री द्विवेदी ने जिले के नागरिकों से अनुरोध किया कि वे अपने परिवार के साथ अपने घरों में ही त्योहार मनाएं, ताकि त्योहारों पर संक्रमण का खतरा ना रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मेरी होली मेरे घर का नारा दिया, इसका सभी पालन करें। पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह ने कहा कि त्योहारों के दौरान अफवाहें ना फैलाएं, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी लोग यह प्रयास करें कि कोई भी विवादास्पद खबर या सूचना मिलती है तो उसकी पुष्टि निकटतम पुलिस थाने से अवश्य करें। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान CCTV कैमरों के माध्यम से शरारती तत्वों पर नजर रखी जाए। SDM श्रीमती खेड़े ने इस दौरान बताया कि त्योहारों के दौरान रात्रि 10 बजे के बाद दुकानें नहीं खुल सकेगी। होली व शबे बारात पर कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होंगे। आयोजन से संबंधित पूर्व में ही दी गई अनुमतियां निरस्त कर दी गई है। उन्होंने बताया कि त्योहारों पर DJ व लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। हाँ, सभी समुदाय के लोग एकत्र हुए थे और कलेक्टर SP सब ने इसका उसको चेयर किया है बैठक को, और सब लोगों ने कुछ संयुक्त निर्णय लिए हैं जिससे कि आने वाले त्यौहार शबे बारात, होली और रंगपंचमी शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जा सके, और शहर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो प्रोटोकॉल अपनाए जाने चाहिए उन सब पे सहमति हुई है। आमतौर पे एक जो महत्वपूर्ण निर्णय है कि कहीं भी 5 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग या किसी उत्सव या पर्व को मनाने के लिए नहीं होगी। कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। आयोजन स्थल पे लोग जो क्षेत्र के लोग हैं संबंधित क्षेत्र में गली में या मोहल्ले में ही रहेंगे, किसी अन्य गली मोहल्ले या कॉलोनी में होली मनाने नहीं जाएंगे। कब्रिस्तान जाने वाले लोग भी सीधे कब्रिस्तान जाएंगे और कब्रिस्तान से घर आएंगे, कहीं और सोशल गैदरिंग नहीं होगी। रात को 10 बजे के बाद जो है दुकानें पर्वकाल के समय मानी 29 तारीख को 28 तारीख की रात में और 2 तारीख की रात में 10 बजे के बाद दुकानें पूर्णतया बंद रहेंगी, जिससे अनावश्यक गैदरिंग है वो रोका जा सकेगा। DJ और लाउड स्पीकर सार्वजनिक क्षेत्रों में बिल्कुल बंद रहेंगे। कोई भी फॉर्म एजेंसी या व्यक्ति कोई सार्वजनिक पार्टी या खाना खाने वाने का आयोजन नहीं करेगा, इस संबंध में भी आम सहमति हुई है। कुल मिलाकर ये है कि दोनों पर्व जो है परंपरा निर्वाह जो बहुत अनिवार्य अनुष्ठान है वो पूरे किए जा सकेंगे, लेकिन अनावश्यक गैदरिंग नहीं होगी और कहीं भी ज़्यादा लोग इकट्ठा होके उत्तर नहीं करेंगे, नशा पूर्णता प्रबंधित रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर सर की तरफ से 144 का आदेश निकलने वाला है, जिससे कि हम लोग कोरोना के संक्रमण से भी मुक्त रहें और कानून व्यवस्था बनी रहे।